यहाँ से कोई घुस पाया रहेगा, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर भी चलो खड़ा ही है, चलो देखते हैं क्या होगा। ये हार्दिक ने कॉल किया था ना? हाँ तुम कौन हो? मैं हार्दिक। हार्दिक हो? अच्छा, वो हार्दिक बटवाल जिसने कॉल किया था। मैंने कॉल किया था। कौन? अच्छा, ये खून तो बहुत संगीन लग रहा है। ओह माय गॉड। अभिजीत? यस सर। ये रूम की तलाशी लो तो। जी यस सर। तुम दया, तुम भी लो, हर एक चप्पा चप्पा ढूंढना। मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम लोग तलाशी लो हर खाने हर जगह की। सर तब तक मैं इसे कुछ पूछ लेता। केमिस्ट्री की बुक मिली, उसमें हर सारे केमिकल है, डेंजरस केमिकल। हार्दिक जी सर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुमने कब देखा ये सब? सर मैं जब सुबह सुबह यहाँ पे आया, मैं इसको बुलाने के लिए आया हूँ। हर रोज सुबह पे जॉगिंग पे जाते हैं ना, तो हम लोग साथ में जाते हैं। जब सुबह आया तो ऐसे बड़ा था और ये सब बिखरा हुआ पड़ा था। ये करीब कितने बजे कुछ? मैं अभी बस आधा घंटा पौना घंटा ही हुआ, मतलब करीब 7 बजे। हाँ 7-8 बजे। ओके। वैसे हार्दिक, नाम क्या बताया आपने इस दोस्त का? नीलेश टंडेल सर। नीलेश टंडेल? अभी तुम सबने तलाशी ली? सर मैंने नाम सुना लगता है, कहीं तो सुना है मैंने नाम। एक काम करते हैं, देखो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। देखो इसका फोन आसपास हो या कुछ भी आइडेंटिटी हो तो चेक करो। तो दया सर, बुलेट मिला है इसका? आई कार्ड? हाँ, नीलेश टंडेला बता रहा है यहाँ पे। सर उसका वॉलेट भी मिला है। वॉलेट शायद घर पे डॉक्यूमेंट मिल जाए। देखो तो उसके घर का पता बता कुछ हो तो। इसमें 2 क्रेडिट कार्ड, 1 आधार कार्ड और सब अदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। दिखाओ दिखाओ। आप देख, एक काम करो, ये आईडी कार्ड रख लो अपने पास। हाँ। और इस जगह पर जाके जहाँ पे इसका आईडी मिला है जाके वहाँ पे तलाशी लेना, बरोबर। तब तक इसका आधार कार्ड, स्टेट बैंक। एक काम करते है, तुम दया एक काम करो, तुम इसका बैंक डिटेल्स निकलवाओ। इसका क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, देखो कौन से ट्रांजेक्शन कल और 2 दिन पहले, कौन से दिन में कौन से तारीख को कौन से ट्रांजेक्शन करवाया है, काम में पैसा दिया है या कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, देख के बता। देखिए सर, इसमें पैसे के लिए भी खुद नहीं हुआ शायद, इसमें पैसे तो वैसे ही पड़े। हाँ हाँ, शायद कुछ और हो सकता है। मुझे भी माजरा कुछ दूसरा ही लग रहा है। ये आई कार्ड कोई मामूली आई कार्ड नहीं है, स्पेशल तरीके से बनाया हुआ आई कार्ड है, मतलब कोई बड़ा क्लब की मेंबरशिप हो सकती है, तो हम यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, आज 2 घंटे के अंदर पहले ये पता लगाओ कि ये आई कार्ड किस जगह, मतलब वो कहाँ जाता, कैसा था, वो सब उसकी पूरी डिटेल चाहिए मेरे को। तब तक मैं इसको देखता हूँ। ओके यस सर। हेलो। हाँ एक काम करो,
इसको फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अच्छी तरह से तलाशी लो वहाँ पे। और सर देख के तो रखते है, रुको रुको अभिजीत, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगता है, काय तो लोचो से हाड़ो। यस सर, ये आप चाय के दाग दिख रहे हैं अभी, अभी तक इसमें चाय अभी भी पी ऐसा लग रहा है। गर्म तो है, लगता है इसमें कुछ थोड़ी। ओ सर ये दवाई, ये तो अजीथ्रियो है। एक काम करो, रुको रुको, ये और ये दोनों डॉक्टर झटका के पास लेके जाओ। ओके यस फॉरेंसिक लैब में। और ये बिस्कुट भी ध्यान रहे, खाना मत इसको। जी सर। ठीक है, ये पूरे फॉरेंसिक लैब में भेज दो और मुझे 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए इसकी। मामला तो बहुत संगीन और पेचीदा लग रहा है सीतापुर जैसा। एक काम करो दया, इधर आओ तो इसको डॉक्टर झटका के पास भेज दो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। आते ऐसा करो, अभी तुम्हारा काम नहीं है, पर अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम्हें आना पड़ेगा, बरोबर? तुमको सिटी के बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बरोबर? और दया एक काम करो, तुम इससे उसका फोन नंबर ले लो और इसका तो एड्रेस और उसके दोस्तों का एड्रेस जो भी है ले लो अभी, बरोबर? सर हाँ, पार्क का नजारा बहुत बढ़िया है, शायद एक बार देखना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, एक काम करो दया, तुम इसका नंबर ले लो, इसको छोड़ के आओ और डॉक्टर झटका से फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आओ। ठीक है। बाहर सुनसान जगह है, कुछ भी हो सकता है, जंगल जैसा लग रहा है। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पाइप से भी कोई चढ़ के आ सकता है, यहाँ देखो ना पैर भी रख सकते हैं। वो तो सही है। तुमने एक चीज देखी क्या? ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ से तुम बाजू वाले की बालकनी में जा सकते हो। अच्छा आप सही कह रहे हैं, आसानी से कोई भी जा सकता है। अभिजीत सर एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और अंदर से दरवाजा खोलो, देखो कि किसका रूम है वो। ओके यस सर। ओके रुको, बोलो तो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये हमारा घर है, मैं यहाँ पर। सर हाँ अभिजीत बोलो। ये आरती इस रूम में क्या कर रहा है? ये तुम्हारा ही रूम है? हाँ सर मैं यहाँ पर ही रहता हूँ सर। आ तो कहवाई ने के गाम में भंडारो अने खाई बाजू वालो, ऐसा ही कुछ हुआ। सर आपने बोलने में सर गलती कर दी सर, लगता है। अरे वो छोड़, अभी ऐसा कर इसको भी शक के डायरी में ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं सर। अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। वो तो हर किया तो डर क्यों रहा है? हर खूनी ऐसा कहता है। एक काम करो ले चलो इसे अपने अपने ब्यूरो पे ले दो। नहीं नहीं
वो भाजप का बाकड़ा है ना, पीछे लेके इसको पिटाई करते हैं। कोई बात नहीं, चलो 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 ले चलो चलो आ जा। सर हमने वो हार्दिक को कस्टडी में लिया था, वो शायद लग रहा है कि सच बोल रहा है। ऐसा ही कुछ लग रहा है सर। हाँ देखो दया आ गई है। रिपोर्ट आ गई है, फॉरेंसिक से आ गई। अच्छा काम है, बहुत बड़ा चेयर का पोजीशन का नाम मिला है। कुछ टफ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बोटुलियम टॉनिक से है कुछ। बोटुलियम? यस ऐसा जहर कहाँ पाया जाता है सर? ये नाम तो सर मैंने इसके बारे नेट में पढ़ा है इसके बारे। और इसको देख के तो ऐसा लगता है ये आसानी से मिलता नहीं होगा यार। नहीं, यस सिटी वाले इलाके में मिलना बहुत मुश्किल है, जंगल में ऐसा जहर पाया जाता है। एक काम करते हैं, इस जहर का पता लगा दें। सर याद है हम जब बागे में गए थे तो उसके पीछे जंगल था। हाँ हाँ हाँ, वहाँ जाएंगे तो कुछ मिल सकता है। काम की दूसरी बात तलाश है रूम की। हाँ वो हार्दिक की रूम की तलाशी बाकी है। चलो आप एक काम करो अभिजीत। यस सर। तुम उस साइड की तलाशी लो और दया तुम यहाँ की लो, तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। सर हाँ अभिजीत, इसमें सर अजीब सी बदबू आ रही है। टीम के कैन पे? या सर दिखाओ। एक काम करो दया, इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दो इसको भी। ठीक है, कल तक तो रिपोर्ट आई जाएगी। फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग वेनिंग करवा दो और अच्छे से तलाशी लो। अभिजीत सर दो आरी मिली है। आरी? यस सर। आरी का क्या काम है दिखाओ। वो भी बड़ी धारदार है, संभाल। इससे फल कैसे कटेंगे? जबरदस्त ना। फल तो ये छिटके में दो घंटे हो जाएंगे फुल के। एक काम करते हैं सर, साथ में गर्दन की भी। गर्दन भी? एक चीज तो देखनी रह गई। क्या? वहाँ पे फोन तो रह गया। चलो एक काम करो, ये चेक करवा लो। सर ये फोन तो मैंने वो अपना विजय शादी के हाथ में देखा था। उसके हाथ में देखा था? एक काम करो, उसके हाथ में देखा था। एक काम करो, इसकी पूरी डिटेल्स निकाल दो, कितने नंबर है, कब कॉल किए थे। इसमें भी सिम कार्ड है। ठीक है, पासवर्ड। एक काम करो, अपने टेक्नीशियन को बुला के इसको पासवर्ड क्रैक करवा दो। ठीक है। और सर इसमें हार्दिक की तस्वीर भी है, इससे साफ जाहिर होता है कि फोन उसी का ही है। मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। पक्का कुछ ना कुछ तो। चलो चलो अभी काम कर दो पहले। इसको मैं सुझा गया था। हाँ सुझा लो सुझा लो। हाँ वो मैंने अजीत को तो भेजा है, पता नहीं अभी क्या होगा। केस तो देखा जाए तो बहुत कुछ ना कुछ तो कड़ी जुड़ती है जो अपने हाथ में ले जाते हैं। काम करते हैं, थोड़े पैर जल्दी चलाओ, दुकान बंद हो जाएगी। वैसे तो सुबह का टाइम है, कोल्ड ड्रिंक और संडे भी है, कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम है। वैसे भी आज संडे भी है तो कुछ कह नहीं सकते, दुकान बंद ही हो सकती है। यहाँ पे मैदान है, बहुत सारे खेल रहे हैं, किसी ना किसी ने तो देखा होगा। इतने सारे बच्चे तो किसी ने कुछ देखा क्यों ना सर? इतने सारे बच्चे तो यार ये खून हो कैसे सकता है? देखो तो वहाँ पे इतने सारे हैं, सब अपने अपने खेल में व्यस्त है। लगता तो नहीं है, पता नहीं कि किसी ने देखा होगा। चलो फिर भी वो जल्दी चलते हैं, बस जाके आते हैं। Bye.
क्या ये बाजू वाला जो बॉटनिकल की दुकान है वो बंद है आज? कहाँ पे है कुछ आपको बताया था? पता नहीं क्या मालूम, मेरे को पता नहीं भाई। कोई तो रहेगा, कुछ एड्रेस रहेगा आपके पास? ये दुकान की बात कर रहे हैं। दूर रहता है क्या? आप मुझे एड्रेस और उसका फोन नंबर है तो दे सकते हो? एड्रेस तो था, फोन भी था, पर पता नहीं कहाँ रखा है। कोई बात नहीं, सीआईडी से हो या कोई वो, फिर भी देखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। यार तो था एक बार उसने। जरूरत पड़े तो हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। धन्यवाद। वेलकम। वैसे अभी जी एक काम करते हैं, ये एड्रेस पर चलते हैं पहले मलाड। एक काम करते हैं, इस एड्रेस पर चलते हैं। ये एड्रेस है? हाँ, ये जो मेरा जो विलेज बना ना, ये ठीक उसके एड्रेस उसके पीछे ही आता है। हाँ, थोड़ा ही दूर आता है। मैंने आपको बाद में दिखाया था ना, वो जंगल वाला एरिया वही आता है इसके पीछे, वो बोरीवली का पता है कहाँ पे है। जानते हो? दो बार पता है। एक काम करते हैं, तुम फोन लगा के अपने कस्टडी से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो आओ ये जगह के बारे में, और हम लोग जाते तब तक तुम वहाँ पे पहुँच के बैरिक्स होते पहले वहाँ जाना है। चलो वहाँ पे चलो, चलो उसको तीसरी बार भी उठा लेते हैं। ठीक है, यही है ना। आप रमेश भाई हो? आपसे काम था थोड़ा, वो आपकी जो दवाई की दुकान है ना बॉटिकल करके, तो वहाँ से आपके बाजू वाली दुकान ने एड्रेस दिया था कि आप यहाँ पे रहते हैं। वैसे एक बोटोनिकल करके कुछ आती है दवा जहरीली, वो उससे दो जन का खून हो गया है। एक तो बहुत पहले हुआ था और आज वापस हुआ है, तो उसी सिलसिले पे क्या आपके यहाँ पे कोई आया था लेने के लिए? क्योंकि आपके दुकान पे ही मिलता है। तीन चार दिन पहले आया था, तो क्या आप उसका चेहरा याद है आपको? याद है क्या? आप स्केच आर्टिस्ट से बनवा सकते हो? ठीक है, एक काम करो अभिजीत। यस सर। आप तुरंत वो स्केच वाले को बुला लो। ओके। और रमेश जी से करवा दो स्केचिंग। इसकी पीछे थी देखी, ऐसा लगता है। एक काम करो पहले भैया, तुम इसको स्कैन करके लाओ। ठीक है, स्कैनर पे इमेज लाओ। भी ना सर, कुछ 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 दिमाग में आ रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूनी को पकड़ने में इतनी मदद की। कुछ भी जरूरत हो तो हम आपको वापस बुला सकते। हाँ हाँ, तुम्हें मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ भैया बोलो। स्केच स्कैन हो गया। वाह वाह, स्कैन हो गया। ये
ये बंदा दिखता है मतलब सर इसी को हमने देखा है पहली बार जब हमें लास्ट के पास मिला था वही है ना शायद ये हार्दिक लग रहा है हाँ हार्दिक जैसे ही है टोपी भी हाँ टोपी भी रूम पे थी सर रूम पे टोपी भी थी मैं टोपी वहाँ पे देखी थी दरवाजे के पीछे थी हाँ एक काम करो फिर से हम चेक करते हैं उसको आपने छोड़ दिया था ना हाँ एक काम करो उसको जल्द से जल्द पकड़ लो ठीक है अभी हाँ अभी क्या अभी पकड़ो चलो काम कर दरवाजा तोड़ दे ऊपर भाग गया जल्दी ऊपर भाग गया चलो ऊपर निकलते हैं अभी कहाँ पे हो अभी कहाँ पे हो ऊपर तुम वहां से जाओ दया चलो अब बताओ सीधे सीधे या फिर हमारा टॉर्चर शो सर मैंने कुछ नहीं किया सर दया बता नहीं नहीं सर बता दो चलो बताने लगो अभी चलो सर सर मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर तुम भागे क्यों सर मैं बुरी बात वो मेरा पुराना फ्रेंड हम लोग साथ में रहते बहुत बहुत गुस्सा किया कि लेकिन वो मेरे करोड़ों रुपये मैंने को उसके पास से 1.5 करोड़ रुपये करीबन 1.5 करोड़ रुपये दे दिए वो मेरे को नहीं दे रहा तो मैंने उसको कई बार वो कह दिया था कि आपको तू दे दे फिर भी वो नहीं दे रहा तो मेरे को इस महीने ही वो कमरा छोड़ने को बोल दिया था हमारे रेजिडेंसी वाले तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा तो मेरे को बहुत टॉर्चर भी करा था तो सर गलती से भाग गया कोई भी गलती से नहीं होता है सीआईडी को नहीं बता सकते क्या तुम सर मैंने पुलिस को बुलाने की ट्राई की लेकिन वो लोगों ने कुछ करने करने तो मैं ऊपर जाना था कोशिश कर रही थी कानून किसके लिए बनाया यहाँ पे कानून आम जनता के लिए बनाया है हाँ पर ये बताओ तुम कि तुमने खून किया कैसे किया कैसे वो सर वो कॉल वो जहर आया वो मेरे फ्रेंड से मैंने जाना था वो जहर कुछ टाइप का जहर होता है हम दोनों रोज सुबह में चाय पीते थे रोज तो मैंने वो चाय में जहर डाल दिया पर तुम्हें ये सब सूझा कैसे वो तुम्हारा दोस्त था भले पैसों के मामले वो कितना भी गिर गया था तुम कानून की मदद ले सकते थे लेकिन वो मरा कैसे वो तो केमिस्ट्री लैब में काम भी करता है उसे पता नहीं चल जाएगा वो इस टाइप का जहर है जिसका वो चाय में डालते ही इसका जहर का कोई नाम होने चाहिए प्लूटोनियम टोनिक्स वाला भाई हाँ कोई भी नाम ठीक है इसको सख्त से सख्त सजा होगी जेल में सटे रहो फांसी का ऑर्डर आने तक दोस्तों इस वीडियो से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी काम गुस्से में मत करिए और अगर कोई भी परेशानी हो तो कानून की मदद लीजिए आपकी जरूर रक्षा करेंगे और दूसरी बात ये कि सोच समझ के विचार करके हजार बार सोचिए उसके बाद आगे बढ़िए
पर मेरे दोस्तों कुछ भी हो जाए पर जुर्म का रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि जुर्म कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। और हमेशा सत्य का ही साथ दीजिए, कभी भी गलत मत करना। This was the first video of CID. We all hostel students did it with best performance. So I hope you would like my channel and subscribe it. And don't forget to see this video, as we have made it with great strength and our mind of ability. So these are my friends who supported me for my channel, and we did it great. So this was Hardik Chanchad. This was Hardik, second Hardik. Your surname? Kaklodia. And this and was. My name is Kathrotia Jaimin. I am fully enjoying this video. And specially the cameraman was Jeel Patel. So I hope you would subscribe my channel. Thank you guys.